मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कपिल शर्मा का शो बंद होने के कगार पर पहुंच गया है और इस बात का असर शो की टीआरपी पर भी पड़ रहा है। कपिल शो को वापस ट्रैक में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शो में एक्ट्रेस मोनिका कैस्टेलानो का नाम जोड़ा गया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार शो से जुड़ी ये एक्ट्रेस काम सुंदरी और नो मैन अलाउड जैसी एडल्ट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। शो में एक ग्लैमरस लड़की के किरदार में नजर आ रही ये एक्ट्रेस मोनिका को ज्यादातर लोग कम ही जानते हैं। द कपिल शर्मा जैसे फैमिली शो में मोनिका की एंट्री कराना जाहिर सी बात है कि लोगों को शो की तरफ आकर्षक करने का जरिया हो सकता है। शो को टीआरपी की रेस में वापस लाने के लिए शो की पूरी टीम और राइटर्स अपनी सारी कोशिशों को आजमाने में लगे हुए हैं। बता दूं कि हाल ही में कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही सुनील ने शो को किनारा कर लिया था। शो देखने वाले मानते हैं कि उनके बिना ये फीका हो जाएगा। आखिर डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी इस शो का पॉपुलर किरदार थे। फिलहाल अब देखते हैं कि मोनिका इस शो की टीआरपी को ऊपर लाने में कितनी मदद करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।